नमस्कार आदाब सत श्रीकाल। मैं हूं अडकुट जितेंद्र, आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं और वहां पे अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी है आपके साथ में बदतमीजी करता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो अपने पद के ऊपर रहते हुए दादागिरी लगाता है, वो हर किसी को परेशान करने की कोशिश करता है, वो बिना वजह आपका कार्य नहीं करता है और बार बार आपको चक्कर पे चक्कर कटवाता है, तो यहाँ पे उसकी शिकायत करना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर ये सब बताने वाला हूँ कि उसकी शिकायत कहाँ और कैसे कर सके जिससे उसको सज़ा मिल सके और साथ में और कर्मचारियों को भी सबक मिल सके। तो ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिए और साथ में बता दो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करते हुए कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले आपको एक लिखित में एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन की एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और वो एप्लीकेशन जो आप लिखे हैं वो एप्लीकेशन बैंक के मैनेजर को देना है और साथ में जो फ़ोटोकॉपी है उसके ऊपर रिसीव ले लेनी है बैंक के मैनेजर से, जिससे आगे आप अगर कोई भी कार्रवाई करें तो वो रिसीव आपके काम आ सके। तो अब आपको क्या करना है कि 7 दिन का इंतज़ार करना है कि वो बैंक मैनेजर उस कर्मचारी के ऊपर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है। तो आप 7 दिन का इंतज़ार करें और जैसे 7 दिन हो जाते हैं और अगर वो कर्मचारी पे अगर कोई एक्शन नहीं लेता है बैंक का मैनेजर, तो आगे आपको क्या करना है, RBI की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको रीजनल ऑफिस का एड्रेस लेना है, यानी कि आपका जो भी राज्य है तो हर राज्य की राजधानी में रीजनल ऑफिस होता है, तो उस रीजनल ऑफिस का आपको एड्रेस लेना है RBI की वेबसाइट से। तो फिर आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन और लिखना है और उस एप्लीकेशन के साथ में जो आपकी वो जो रिसीव थी आपने बैंक के मैनेजर को दी थी वो रिसीव उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके वो रीजनल ऑफिस में दे देनी है। अब वहाँ पे आपको इंतज़ार करना चाहिए 30 दिन का। तो अगर 30 दिन में आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है रीजनल ऑफिस से भी 30 दिन के अंदर, तो आगे आपको करना क्या चाहिए, उसी RBI की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के नाम से वहाँ पे सर्च करना है और उसका एड्रेस वहाँ से लेना है। फिर एड्रेस लेके वहाँ पे आपको शिकायत करनी है और साथ में जो भी रिसीव थी, जो भी एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी थी आपके, उनको भी अटैच करना है वहाँ पे और उसको मतलब वहाँ पे शिकायत आपको कर देनी है। तो इस तरीके से आप उस कर्मचारी को सज़ा दिलवा सकते हैं। आप उस कर्मचारी को सज़ा कंज्यूमर फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट से भी दिलवा सकते हैं। इसके लिए आपको वकील से मिलना पड़ेगा, वकील से मिलते हुए आप उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे आप उस कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसको सज़ा दिलवा सकते हैं जिससे भविष्य में और भी कर्मचारियों को यहाँ पर सबक मिल सके और उस कर्मचारी को सज़ा मिल सके। तो सारी जानकारी आपके समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी होती इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो और लोगों के भी काम आ सके। तो बस आज इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।